सभापति महोदय, देश की अर्थव्यवस्था पर माननीय वित्त मंत्री ने जो श्वेत पत्र लाया है और सदन में जो पेश किया है, जिस पर चर्चा आज हो रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसलिए कि देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, और भ्रम की स्थिति पैदा होने के साथ साथ भ्रम की स्थिति फैलाई भी जा रही थी कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। और उस परिस्थिति में जब माननीय वित्त मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लाया, तो आज उस पूरे भ्रम की स्थिति का पटाक्षेप हो गया और वो आज साफ हो गया। महोदय, श्वेत पत्र में आंकड़ों का पूरा विवरण है, सभी तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर श्वेत पत्र जारी किया गया। मैं समझता था कि सदन में जब चर्चा होगी तो उन श्वेत पत्र में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कहां गलत हैं इसका कोई निर्णय विवरण प्रस्तुत किया जाता, उसका खंडन किया जाता, लेकिन उसके बजाय पूरे चर्चा को दूसरे दिशा में मोड़ के ले जाने का काम हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय में जो वित्तीय कुप्रबंधन था उसकी उसमें विस्तृत चर्चा है, अलग अलग भाग में उसकी चर्चा की गई है कि कहां कहां वित्तीय कुप्रबंधन था। मुझको भी उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इस सदन का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैंने उसमें देखा था कि कहां कहां मिसमैनेजमेंट कुप्रबंधन हो रहा है। हालांकि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नहीं कहता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत साफ आदमी थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे वो समूचे घोटाला और कुप्रबंधन के जिम्मेवार थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मूक दर्शक बिचारे देखते रहते थे। तो इसलिए उसकी विस्तृत चर्चा है, कितना ऋण दिया गया, कहां कितना ऋण किसको मिला, ऋण जो ज्यादा दिया गया उसकी भी विस्तृत चर्चा है। और ऋण जब ज्यादा आप दे दीजिएगा तो नेचुरली अर्थव्यवस्था पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। अभी चर्चा हो रही थी, माननीय गौरव गोगोई जी चर्चा कर रहे थे विजय माल्या जी को 8040 करोड़ रुपए का ऋण कब मिला था। यह भी आप कहते गौरव गोगोई जी, अगर आप ईमानदारी से यह बात कहते कि मेरी सरकार ने विजय माल्या को 8040 करोड़ का लोन दिया, ऋण दिया और वो लेके भाग गया, तब हम मानते कि आप ईमानदार हैं। आप तो ईमानदार है नहीं, आपने चोरी करवा दिया। और जब चोर भाग गया तो हल्ला कर रहे हैं, चोर काहे भाग गया। अरे वाह भाई, आप चर्चा कर रहे थे नीरव मोदी की। नीरव मोदी का फ्रॉड, जो डिफॉल्ट था, गारंटी डिफॉल्ट कब शुरू हुआ? 2011 में शुरू हुआ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 14,000 करोड़ रुपया का गारंटी डिफॉल्ट हुआ, आप मूक दर्शक बने हुए थे। आपका यही वित्तीय प्रबंधन था, यह आपका वित्तीय कुप्रबंधन था। अगर आप ये कहते कि यह हमसे चूक हुई, हमारी सरकार ने यह गलत किया, तो हम मानते कि आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार राजनेता हैं। तो आप आज कह रहे हैं कि नीरव मोदी भाग कैसे गया, उसको क्यों नहीं पकड़ के ला रहे हैं? अरे आपने भाग सारा इंतजाम कर दिया, 14,000 करोड़ रुपया जब उसके जिम्मे लगा दिया तो भाग गया। अब भाग गया तो यह सरकार प्रयास कर रही है उसको वापस लाने के लिए।
अब वो विदेश में भागा हुआ है, और आपका अगर कोई प्रभाव है अभी भी तो जाके ले आइए उसको पकड़ के, देखिए कि वर्तमान सरकार उसको जेल में बंद कर देती है कि नहीं कर देती है। आप चर्चा कर रहे थे मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी नंबर 2010 से अप्रैल 2014 तक 8738 करोड़ रुपए का उसने फ्रॉड किया बैंक के साथ। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और यही तो श्वेत पत्र है, और श्वेत पत्र में है क्या? आपके वित्तीय कुप्रबंधन की चर्चा है श्वेत पत्र में। जो काम आपने किया है उसी को दर्शाया गया, उसी का आईना है इस श्वेत पत्र में। और आपको खराब लग रहा है, मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, उन्होंने चर्चा शुरू की, उन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारी सरकार ने शुरू किया। अरे इस देश में सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया था? इस देश में सर्व शिक्षा अभियान 2004 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, और उस समय राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी 85% केंद्र की थी और 15% राज्य की हिस्सेदारी थी। आप वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू रहा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू रहा, लेकिन 2010 में उसको आपने खत्म कर दिया और उसको समाप्त कर दिया। और यही नहीं किया आपने, 2004 के बाद जब अटल जी ने शुरू किया था तो केंद्र की हिस्सेदारी थी, और जब आपने उसको खत्म किया तो सारा उसका लायबिलिटी राज्यों के माथे पर थोप दिया, और जितनी बहाली आपने की थी सब स्टेट्स के माथे पर थोप देने का काम किया। और 2010 में आप एक नया कानून लेके आ गए, राइट टू एजुकेशन। वाह भाई, यही आपका प्रबंधन था, यही आपके जनहित के काम थे, यही आप जनहित के काम कर रहे थे, यह कौन सा तर्क हुआ? तो कुतर्क आप अगर देते रहेंगे तो उसका तो कोई जवाब नहीं। मनरेगा की चर्चा कर रहे थे आपने, जब मनरेगा शुरू किया था उस समय 145 रुपए था मैंडेट उसका, जो मजदूरी था, आज 204 रुपया है इस सरकार में मजदूरी मनरेगा के मजदूरों का। आप उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे थे, आप कहते कि भाई इस सरकार ने, वर्तमान मोदी जी की सरकार ने 204 रुपया मनरेगा के मजदूरों का बढ़ा दिया, आज बिहार में 209 रुपया। तो इसलिए आप इस सब चर्चा करते रहे, लेकिन आप चर्चा क्या करते रहते हैं? ये तथ्यों के आधार पर आपने कोई श्वेत पत्र को का खंडन नहीं किया। आप चर्चा कर रहे हैं घोटालों की, भ्रष्टाचार की। मैं भी सदन का सदस्य रहा, 15वीं लोकसभा में भी, 14वीं लोकसभा में भी, और 15वीं लोकसभा में जब आपकी सरकार थी 2010 से 2014 तक, अधि 4 से 14 तक, 2004 से 2014 तक, कोई ऐसा सत्र सभापति महोदय जब नहीं होता था, कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जब एक नया घोटाले की चर्चा उस सदन में और उस सत्र में नहीं होती थी। कोई भी सदन, कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कोयला घोटाले में कौन कौन लोग थे सबका पर्दाफाश हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाले में कैसे हुआ यह भी पर्दाफाश हो गया, सब जान गए। रक्षा घोटाला मैं कहां कहां, विमान की खरीद में, रक्षा के सामानों की खरीद में कहां कहां सौदेबाजी हो रही थी, कमीशनबाजी हो रही थी, ये सब घोटाला की चर्चा हुई, उस सदन में चर्चा हुई। राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें जो दिल्ली के आपके नाक के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे जो घोटाला हुआ उसको भी सबने देखा, इस देश ने देखा, हर व्यक्ति ने देखा। अब आप कह रहे हैं शारदा चिट फंड, कितना बड़ा घोटाला हुआ शारदा चिट फंड कंपनी ने, किसका पैसा लेके गायब हुआ, कौन थे वो लोग जिनका पैसा लेके गायब हुआ शारदा चिट फंड के मार, मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, उनका पैसा लेके गायब हुआ, और किसके राज में घोटाला हुआ शारदा चिट फंड, इस पर आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा है, तथ्यों के आधार पर आपका बोलना चाहिए, वह भी आप नहीं बोल रहे, कौन सा चर्चा करना चाहते हैं?
और लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर आपको कहना चाहिए था, आपको ये बात ईमानदारी से कहना चाहिए था, आप भी सदन के सदस्य हैं, कि 10 वर्षों में 2014 से 2019 तक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन 2019 से हूं। आज तक कोई घोटाले की बात तो आप नहीं कर पाए, आज तक कोई घोटाले की चर्चा तो आप नहीं कर पाए। आप कोई घोटाला नहीं, बहुत होता है तो घूम फिर के एक ही आदमी का नाम उजागर करते रहते हैं। अरे भाई, उनसे आपका कुछ व्यक्तिगत है मामला तो जाके बाहर में मिलजुल के सलट लीजिए, बात खत्म हो जाएगा, सलट लीजिएगा। आप यह क्यों संदेश उसको देना चाहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो इसलिए ये बात तो नहीं हुआ, आज तक कोई घोटाले की चर्चा नहीं हुई। आप स्याह पत्र लेके आए, हमने अखबारों में देखा। आज आप भी अभी भाषण दे रहे थे, सभी भाषण दे रहे थे, स्याह पत्र की आप चर्चा कर रहे थे। अगर श्वेत पत्र में आंकड़े गलत हैं, जो मैंने पहले भी कहा, तो उन आंकड़ों का खंडन करना चाहिए था। उन आंकड़ों को, चूंकि उसमें तो तुलनात्मक है, 2004 से 2014, 2014 से 2024, दोनों तुलना टेबल बना के दिया हुआ है, तो टेबल को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते, एक एक आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हैं, कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी दो साल 2021 डेढ़ साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडीआई पहुंची। मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची, नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही, उसका कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा। तो ये तथ्य है, तो इस तथ्यों के बजाय आप कह रहे हैं कि ये जो श्वेत पत्र आया है, ये श्वेत पत्र हमारी पूर्ववर्ती सरकार के इमेज को टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है। कहे का किसी का इमेज टार्निश करके, जो तथ्य है, जो सही है, जो आंकड़े हैं, वो सदन के सामने और इस देश के सामने रखा गया है, तो इमेज इसमें कहां टार्निश हो रहा है। हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है तो स्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का आपको लगेगा भ्रम, आप उसके भ्रम के शिकार हैं। लेकिन अगर आप भ्रम हैं तो उसका क्या किया जाएगा। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका भुगतना तो उसके लिए आपको पड़ेगा, और वो अगर भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए, और उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को रखिए। और यही बात हम कहते हुए फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए श्वेत पत्र लाने के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अर्थव्यवस्था से अवगत कराने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविशंकर प्रसाद जी।